हरिद्वार में जिला स्तरीय कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल शामिल हुए। जिला स्तरीय कृषक महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सांसद रमेश पोखरियाल ने हरी झंडी दिखाकर 8 रथों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषक रथ 46 नए पंचायत में जाकर केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार प्रदेश में नंबर नहीं बल्कि देश में नंबर वन हो रहा है और जो काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया वह काम 8 से 9 सालों में बीजेपी सरकार ने कर दिखाया है। हरिद्वार से मित्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज 8 रथ को यहां से हम हरी झंडी देंगे और ये 46 जनपद की 46 न्याय पंचायतों में जाएंगे जहाँ केंद्र पोषित और राज्य पोषित सारी योजनाओं का जानकारी लोगों को देंगे। आपने देखा है कि आज कितना उत्साह था यहाँ पर किसानों में, सैकड़ों किसान यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हरिद्वार कई कई मामलों में पूरे प्रदेश में नहीं देश में नंबर एक हो रहा है, तो इससे बड़ी बात खुशी क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि जो हरिद्वार जनपद में 142,405 कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा अभी तक 293 करोड़ से भी लगभग 300 करोड़ माने 3 अरब रुपया सीधे उनके खाते में गया, शायद देश की आज़ादी के बाद